हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता फ्रॉम एच सेक्रेड इंटरनेशनल। सो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं बताने जा रही हूँ कि व्हाई देयर आर सो मेनी रिफ्यूजल्स फ्रॉम कैनेडा। कैनेडा इमिग्रेशन से इतने ज़्यादा रिफ्यूजल्स क्यों आ रहे हैं? वो स्टूडेंट्स के केस में है, वो टूरिस्ट के केस में है, वो PR के केस में है, या वो किसी भी केस में है, बट देयर आर मोर एंड मोर चांसेस ऑफ रिफ्यूजल। ऐसा क्यों हो रहा है कि बार बार ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की रिफ्यूजल्स लग रही है? आज मैं इस वीडियो में उसका रीज़न बताने जा रही हूँ कि क्यों रिफ्यूजल लग रही है। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि जब भी हमारी अपडेटेड वीडियो अपलोड हो तो आप उस वीडियो को जल्द से जल्द देख पाए, और साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो लेट्स बिगिन। सो चलिए, वैसे तो बहुत सारे रीज़न है कि कैनेडा की जो फाइल्स है रिफ्यूज़ क्यों हो रही है, बट द बिगेस्ट रीज़न जो कि आजकल दिखने में आ रहा है वो है द बैकलॉग ऑफ इमिग्रेशन फाइल्स। येस, यू हर्ड इट राइट, बैकलॉग ऑफ इमिग्रेशन फाइल्स। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कैनेडा के लिए ट्राई कर रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा में ट्राई कर रहे हैं, चाहे वो विजिटर वीज़ा में ट्राई कर रहे हैं, चाहे वो PR के लिए ट्राई कर रहे हैं, या फिर वो सिटीजनशिप के लिए ट्राई कर रहे हैं। सो जितनी फाइल्स इस टाइम पे उनके पास जा रही हैं, हाई कमीशन के पास जा रही हैं, दे आर रिफ्यूजिंग दोज फाइल्स। अब रिफ्यूज़ क्यों कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि बैकलॉग हो रहा है बहुत सारी इमिग्रेशन फाइल्स का। इस टाइम पे 2.7 मिलियन फाइल्स जो है वो हाई कमीशन के पास हैं कि वो उसको या तो रिफ्यूज़ करें या तो एक्सेप्ट करें। इन अदर वर्ड्स, आई कैन से कि रिव्यू के लिए हाई कमीशन के पास 2.7 मिलियन फाइल है। अब बात करते हैं कि पिछले 6 हफ्तों में हाई कमीशन के पास कितनी फाइल्स गई। उनके पास मोर देन 3 लाख फाइल्स गई। कैन यू इमेजिन, मोर देन 3 लाख फाइल्स। अब सिटीजनशिप के लिए कितनी फाइल्स गई होंगी? सिटीजनशिप के लिए 4.5 लाख फाइल गई हैं, और PR के लिए 5.15 लाख फाइल्स गई हैं। इट्स अ ह्यूज नंबर ऑफ फाइल्स। अब विजिटर वीजा की फाइल्स गई हैं 9 लाख, और साथ ही साथ स्टूडेंट वीजा की फाइल्स जो गई हैं दे आर 2 लाख। मतलब कि हाई कमीशन का तो लाइक सिर हिल रहा होगा कि इतनी सारी फाइल्स आ गई हैं। सो अब आप लोग जान लीजिए कि अगर हाई कमीशन के पास इतनी सारी फाइल्स हैं, वो भी अलग अलग कैटेगरी की, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो विजिटर है, चाहे वो PR है, चाहे वो सिटीजनशिप है, या फिर और भी अलग सारी फाइल्स, तो आप ही जानिए इस टाइम पे विच इज़ अ हाई टाइम उसमें वो एक्सेप्ट करेंगे या रिफ्यूज़ करेंगे। सो अगर आप लोग इस वीडियो को देखकर चिंता में आ गए हैं, या इस अपडेट को सुनकर आपको कन्फ्यूजन हो रही है और आपको डर लग रहा है कि आपकी फाइल रिजेक्ट हो जाएगी, या फिर आपकी फाइल रिजेक्ट हो गई है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। कैनेडा इमिग्रेशन आपको दोबारा फाइल सबमिट करवाने का, दोबारा अप्लाई करने का मौका ज़रूर देता है। और आप ये ध्यान ज़रूर रख लीजिएगा कि जब नेक्स्ट टाइम आप फाइल को सबमिट करवाएं, अपनी फाइल को और स्ट्रांग बना के सबमिट करें, और अपने फ्यूचर प्लान को जस्टिफाई ज़रूर करें। दिस विल हेल्प यू कि आपकी फाइल को अप्रूवल ज़रूर मिले। एंड वन थिंग मोर, अगर आपको कैनेडा फाइल्स के बारे में कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बीच में लगाने चाहिए, या कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए, या फिर आपको एडवाइस चाहिए, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और जो व्हाट्सएप नंबर है वो आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है वो मैंशन होगा। सो अगर आपको कोई भी एडवाइस चाहिए, आप ओपनली फ्री माइंड होकर डायरेक्टली हमारे साथ बात कर सकते हैं, और हम आपको बिल्कुल ही पॉजिटिव एडवाइस ही देंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, जल्दी से हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो। स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।